अस्सलाम वालेकुम, मैं उराना शाहिद और आप देख रहे हैं शाओर न्यूज़। नज़र खबर शामिल कर रहे हैं टंडोआदम से। सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने पौधा लगाकर शजर कारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टंडोआदम के मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने पौधा लगाकर शजर कारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा अंजुमन ताजराने टंडोआदम के सदर इकबाल भट्टी, अब्दुल वहाब अंसारी, राना अब्दुल रहीम, शहबाज बाजवा, जुबैर दाइमा और दीगर शामिल थे। इस मौके पर इमामुद्दीन शौकीन ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा किया और फिटनेस सेशन में मसरूफ़ खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ ग्रुप फोटो बनवाए। जुबैर दाइमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन साहब ने आज पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया और उनकी जानिब से ग्राउंड के अंदर चारों अतराफ 800 से ज्यादा मुख्तलिफ अकसाम के पौधे लगाए गए। अगले हफ्ते मजीद 200 पौधे लगाए जाएंगे ताकि ग्राउंड की खूबसूरती में इजाफा हो। उन्होंने मजीद कहा कि ग्राउंड में पानी की मोटरों की कमी थी, जो आज मलिक इमामुद्दीन शौकीन साहब ने ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया, जो कि एक खुश आइंद इकदाम है। जबकि ग्रास कटिंग मशीन मलिक जुल्फकार अली रोशन ने हमें गिफ्ट की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो टंडोआदम में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बाहर रखना चाहते हैं और अपनी जेब से महाना लाखों रुपए इस ग्राउंड को आबाद करने में खर्च कर रहे हैं।